दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 2 जून 2023 आज के लव राशि फल के बारे में। आज आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों आज का लव राशि फल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशि फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशि फल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों आज चंद्रमा तुला राशि के ही रहेंगे, आज विशाखा नक्षत्र के चंद्रमा रहेंगे जो कि गुरु का नक्षत्र है। किस प्रकार की स्थिति आपके लिए निर्मित करेंगे आज के चंद्रमा, आइए जानते हैं। हम बात करेंगे राशिफल की, राशिफल में हम बात करते हैं सबसे पहले राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आपके घर पर कहीं शादी का रिश्ता आ सकता है, शादी से रिलेटेड बातें चल सकती हैं या फिर आपको बहुत ही खास व्यक्ति मिल सकता है जो आपके लिए शादी का प्रपोजल लेकर ही आए। आज के दिन आपकी शादी भी हो सकती है, शादी फिक्स भी हो सकती है, आज के दिन आपकी एंगेजमेंट भी हो सकती है। लव लाइफ में आज के दिन आपके पार्टनर आपको या तो शादी का कमिटमेंट देते हुए नजर आएंगे या शादी के बारे में विशेष रूप से गंभीर हो जाएंगे। आज के दिन शादी से रिलेटेड बातें बहुत ज़्यादा करेंगे पार्टनर और आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लियरिटी देंगे, आपको यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि वो आपसे ही शादी करेंगे। बात हर जगह घुमा फिरा करके शादी पर ही आ जाएगी और इसमें वो लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है उन लोगों को बहुत आज क्लियरिटी मिलने वाली है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की स्थिति भी बहुत बेहतर दिख रही है। नो कॉन्टैक्ट में है तो फिर से आपके पार्टनर के साथ में आपका पैचअप हो सकता है, बातचीत हो सकती है, लेकिन आज के दिन अगर नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आए तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि बातचीत आपकी बहुत ही शालीनता से हो। ईगो, एटीट्यूड, ये सब चीज़ें आप साइड कर दीजिएगा। मैरिड लाइफ में आज के दिन आपके पार्टनर आपकी बहुत कदर करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको सम्मान देंगे। एक दूसरे के विचार भले ही ना मिले लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। विचार ना मिलने के बावजूद भी उन्हें आपको, अगर उनकी बात आपको ना भी समझ में आए तब भी आप उनकी बात को सही ठहराएं या उन्हें सही रास्ता दिखाएं, इत्यादि बातें बहुत कर सकते हैं और एक दूसरे की बात मानेंगे मतभेद होने के बावजूद भी। तो ये बहुत अच्छी स्थिति और बहुत अच्छा संकेत है, आज के दिन आपके जीवन में एक अच्छी शुरुआत हो रही है, मैरिड लाइफ में बहुत सुधार आ रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर के साथ में आपके झगड़े बहुत हो जाएंगे। आज के दिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पार्टनर आपके साथ में यात्रा कर सकता है, विदेश यात्रा जा सकता है, लंबी यात्रा कर सकता है अथवा बहुत ज़्यादा बहस कर सकता है, खर्चे बहुत करवा सकता है आपके, ऐसी स्थितियाँ बनने वाली हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप बहुत ज़्यादा आपका मन अशांत रहेगा, अकेलापन परेशान करेगा। लव लाइफ में आज के दिन थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम परेशान करेगी और यहाँ तक आपको लगेगा कि कोई उनका किसी के साथ में रिश्ता पक्का हो गया है, उनकी फैमिली किसी और के साथ में उनकी शादी करवा रही है, इत्यादि बातें आपको समझ में आएंगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में स्थिति खराब है। मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा ही आपको पार्टनर से तकलीफ मिलने वाली है, पार्टनर कुछ ऐसी ऐसी बातें करेगा जिससे आपको तकलीफ होगी और विशेष रूप से उनके अपने पास्ट के बारे में बताएं, कोई थर्ड पार्टी या उनका पास्ट बहुत उनके नज़दीक रहता है, घर के आसपास ही रहता है, ऐसा कुछ आपको बताएं या उनके ऑफिस में काम करता है ऐसा कुछ बताएं जिससे आपको बहुत ज़्यादा और बेचैनी परेशानी हो जाए। एक्स्ट्रा अफेयर में आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पर आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, इमोशंस बहुत नज़र आएंगे, ये स्थिति है। दोस्तों बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन डेट पर ना जाएं, लव लाइफ की स्थिति बहुत शानदार रहेगी, लव लाइफ में पार्टनर से बहुत प्यार मिलेगा और ख़ास करके अगर नया नया रिलेशनशिप बना है तो उसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात कर सकते हैं, लंबी यात्रा पर जा सकते हैं या बहुत ज़्यादा एक दूसरे की हेल्प करने वाले हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में स्थिति सामान्य है। मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है और हो सकता है कि फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित नजर आए कि फ्यूचर में, या हो सकता है ओवर थिंकिंग भी एक प्रॉब्लम बन जाए आज के दिन आपकी और आपके पार्टनर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर
आपसे दूर भागेंगे, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए सामान्य है। लव लाइफ में बहुत इमोशनल नजर आएंगे आप अपने पार्टनर के प्रति, और इतने इमोशनल हो जाएंगे कि हर बात उनकी मानते हुए नजर आएंगे, और ये आप गलती कर चुके होंगे, क्योंकि ये गलती आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो गए। इमोशनल उनके होकर के उनकी वो बातें भी मान लेंगे जो नहीं माननी चाहिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्थिति खराब है। मैरिड लाइफ में आज के दिन बहुत ज़्यादा घर में कलेश होगा और आपको एक तरह से प्रताड़ित किया जाएगा पार्टनर के द्वारा, बहुत ज़्यादा परेशान और बेचैन कर लिया जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है, ये स्थिति है। दोस्तों बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए सामान्य है। लव लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम सुलझ जाएगी और फिर से आपके रिश्ते में अच्छी स्थितियां बन जाएंगी। आपके पार्टनर फिर से एफर्ट डालने वाले हैं जिससे कि स्थितियां ठीक हो जाएं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पार्टनर फिर से वापस आने के लिए कोशिश करेंगे। मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा आप अकड़ दिखाएंगे, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि आपके अकड़ से, आपके ईगो से आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बन सकती हैं। आप अपने बच्चों की नज़र में भी गलत हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आप पर ध्यान देंगे, आपकी केयर करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, जिससे कि आपको खुशी महसूस होगी, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए सामान्य है। आज के दिन लव लाइफ में आपके पार्टनर आपकी बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाले हैं, विश्वास सबसे ज़्यादा दिखाने वाले हैं, और उस भरोसे से आप दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ेगा। आज के दिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में फिर से कॉन्टैक्ट में आएंगे। हो सकता है कि मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपसे दूर रहते हों और वो आज आपके नज़दीक आएँ। अगर कहीं जॉब करते हैं, किसी ऐसी जॉब में है जहाँ वो आपसे दूर रहना पड़ता है उन्हें, अगर परदेश विदेश रहते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वापसी उनकी बन रही है, और आज के दिन आपके प्रियतम, आपके प्रीतमा से आपकी बात होने वाली है, मिलने वाले हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहने वाला है। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ स्पेशल करने वाले हैं, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप डेट पर जा सकते हैं। आज के दिन लव लाइफ में आपको पार्टनर से बहुत प्यार मिलेगा, बहुत ज़्यादा पार्टनर आप पर भरोसा करेंगे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत स्थितियाँ रहेंगी। मैरिड लाइफ में भी आपको बहुत ज़्यादा पार्टनर की केयर देखने को मिलेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी स्थिति बहुत पहले से ठीक होने वाली है, ये स्थिति। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बुरा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आपके साथ में एक अलग व्यवहार करेंगे, अजीब व्यवहार करेंगे, जिसमें आपको अकेलापन परेशान कर सकता है। आज के दिन लव लाइफ में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शर्तें रख सकते हैं, और हो सकता है कि पहले आपके साथ शर्तें रखी, उस चीज़ को लेकर के बहस हो, या बहुत सारी शर्तें रख सकते हैं कि ये शर्तें मानो तभी हम शादी करेंगे इत्यादि बातें, या कहीं कुछ भी, अगर कुछ भी करेंगे आज के दिन वो, उसमें कोई ना कोई उनकी शर्त जरूर होगी। अगर रोमांस भी कर रहे हैं तो उसमें भी शर्त होगी कि ऐसे करना पड़ेगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्थिति खराब है। मैरिड लाइफ में आज के दिन बहुत ज़्यादा बहस झगड़े की स्थिति बन रही है, और हो सकता है कि कोई कानूनी झंझट भी पड़ जाए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर आपकी बहुत केयर करेंगे, यहाँ पर स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आपको बहुत अच्छा कोई व्यक्ति मिल सकता है, जो बहुत उसका मतलब हर तरीके से सेटल हो और बहुत ज़्यादा क्लियर माइंड का व्यक्ति हो। आपको बहुत अच्छा व्यक्ति मिलेगा जो आपको पहली नज़र में पसंद आ जाएगा। हो सकता है ये शादी का प्रपोजल हो, रिश्ता हो घर पर आने वाला। लव लाइफ में स्थिति बहुत शानदार रहेगी। पार्टनर गिफ्ट उपहार देगा, बहुत ज़्यादा आपको खुश रखने की कोशिश करेगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति भी सही है। मैरिड लाइफ में आज के दिन थोड़ी नोकझोंक हो सकती है बच्चों की वजह से, बच्चों की जिम्मेदारी को लेकर के, या किसी बड़े निर्णय को लेकर के थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है, लेकिन दिन अच्छा रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्थितियाँ सामान्य हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए सामान्य है। लव लाइफ में पार्टनर इग्नोर करेगा, भद्रता कर सकता है, उसका व्यवहार बड़ा अजीब नजर आएगा।
आज के दिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्थिति बहुत ज़्यादा आपके लिए यादगार बनेगी, याद बहुत ज़्यादा आएगी पार्टनर के, वो यादें ज़्यादा आएंगी जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रही हैं। मैरिड लाइफ में आज के दिन आपके पार्टनर आपको इग्नोर करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके साथ में बदतमीजी भी कर सकते हैं, स्थितियाँ सही नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम आज आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है, ये स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए सामान्य है। लव लाइफ में आज का दिन ब्रेकअप हो सकता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भरोसा नहीं हो पाएगा कितना भी कोशिश कर लें पार्टनर को। मैरिड लाइफ में आज के दिन आपके पार्टनर आप पर आरोप लगा सकते हैं, ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज का दिन आपके लिए सामान्य है। दोस्तों बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहने वाला है। आज आपको बहुत अच्छा व्यक्ति मिल सकता है कोई, जो आपको बहुत ज़्यादा खुश कर दे। लव लाइफ में आज के दिन आप ये देखेंगे कि पार्टनर आप पर भरोसा नहीं करना चाह रहे हैं और आप पर बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, इस वजह से आपका ब्रेकअप हो जाएगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाएंगे। नो कॉन्टैक्ट में तो कितना भी उन्हें समझाएं वो आप पर भरोसा नहीं करेंगे। मैरिड लाइफ में आज के दिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आप पर आरोप लगा सकते हैं और पास्ट की चीज़ें ही झगड़े का कारण होंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज का दिन बहुत अच्छा है, यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए शानदार रहेंगी, ये स्थिति है। दोस्तों यह था आज का लव राशिफल। अगर आपको आज का लव राशिफल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।